बिहार के अरवल में जेडीयू के जिलाध्यक्ष एक बंद कमरे में मिलते हैं और उनके साथ जो स्थितियां वहां पर मिलती हैं वो सवाल खड़े करती हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और बड़ी खबर अरवल से है जहां पर जेडीयू के जिलाध्यक्ष के ऊपर लगा है एक बड़ा आरोप। अरवल के जदयू जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल बंद कमरे में एक महिला के साथ पकड़े गए हैं। पुलिस हिरासत में लेकर उन्हें थाने ले गई है। लगभग 3 घंटे में वो पुलिस कस्टडी में बताया जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक निजी नर्सिंग होम में उन्हें पकड़ा गया है। पुलिस महिला का बयान दर्ज कर रही है। महिला के साथ नेताजी के पकड़ने की चर्चा जंगल में आग की तरफ फैल गई है। चूंकि नेताजी इलाके का चर्चित नाम है इसलिए इस तरह की बातें होने लगी हैं। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि बंद कमरे में नर्सिंग होम में कुछ गलत काम हो रहा है। सूचना के आलोक में छापेमारी की गई तो जदयू के जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल एक महिला के साथ मिले हैं। बाद में दोनों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है। अरवल के थाना प्रभारी ने बताया कि एक डेंटिस्ट के निजी नर्सिंग होम में नेताजी और महिला को हिरासत में लिया गया है। महिला अपने आप को नेताजी की रिश्तेदार बता रही है। पुलिस का कहना है कि अभी भी पूछताछ जारी है, महिला के बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सत्ताधारी दल के जुड़े मामले की वजह से पुलिस इसको दबाने की कोशिश कर रही है। जब हम लोगों ने पुलिस के सूत्रों से पता करने की कोशिश की तो वो इस मामले पर ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वरीय अधिकारी इस मामले पर बोलेंगे, लेकिन नए साल के अंदर जेडीयू के एक के बाद एक जो उनके नेता हैं उनके ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप लगा है। अभी हाल में ही 31st नाइट के दौरान जो जेडीयू के पूर्व एमएलए थे उनके ऊपर आरोप लगा था एक महिला को गोली मारने का, और इसके बाद अब गंदा काम करने का आरोप जेडीयू के जिलाध्यक्ष के ऊपर लगा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।